हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिप स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग एक ही वीडियो में सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट संपत्ति अधिनियम 1882 के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि पूर्व न्यायिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और इनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है और अन्य जो न्यायिक परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी उपयोगी साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज की सूचना समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पहला क्वेश्चन है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ है। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो 1 जुलाई 1882 से प्रवर्तन में आया है, लागू हुआ है। और इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है, जिसको अधिनियमित तिथि कहते हैं, उसको भी आप याद रखें, जो 17 फरवरी 1882 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू है तो संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, भाग बी के राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर और उत्तर दक्षिणी भारत पर। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो संपूर्ण भारत पर लागू है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का प्रभाव कैसा है, भूतलक्षी है या भविष्यलक्षी है या फिर दोनों है। तो इसमें जो संपत्ति अंतरण अधिनियम का जो प्रभाव है वो भविष्यलक्षी है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। तो स्थावर संपत्ति के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 3 में दिए गए हैं। तो भवन सम्मिलित है, कृषि भूमि सम्मिलित है, खड़ा काष्ठ, उक्ति फसलें, घास जो हैं स्थावर संपत्ति इमोवेबल प्रॉपर्टी में सम्मिलित नहीं है, बाकी कारखाना भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित से अभिप्रेत है, तो लिखित से क्या अभिप्रेत है। तो लिखित के संबंध में जो परिभाषा दी गई है वो धारा 3 में दी गई है। तो लिखित के बारे में बताया गया है कि जो आवसीयती हैं लिखित है इससे अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रमाणित से क्या अभिप्रेत है, यानी अनुप्रमाणित से क्या अभिप्राय है। तो इसकी भी जो परिभाषा है वो धारा 3 में दी गई है। तो अनुप्रमाणित से आशय ये है कि दो या दो से अधिक साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित होना, उसको अनुप्रमाणित कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूवध में क्या सम्मिलित नहीं है, भूवध में क्या सम्मिलित नहीं है। तो जो भूवध की परिभाषा है वो भी धारा 3 में दी गई है। तो पेड़ और झाड़ियां सम्मिलित हैं, भित्तियां सम्मिलित हैं, निर्माण सम्मिलित है, जल प्रवाह जो है वो भूवध में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऋण का या उस चल संपत्ति में जो कि दावेदार के वास्तविक या अनुयायी कब्जे में नहीं है, लाभप्रद हित का ऐसा दावा जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता है, वो क्या कहलाता है, कैसा दावा कहलाता है। तो वो एक्स नेवल क्लेम जो है अनुयोज्य दावा कहलाता है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुयोज्य दावे में सम्मिलित नहीं है तो कौन से दावे जो है सम्मिलित नहीं है। अप्रतिभूति ऋण का दावा सम्मिलित है, चल संपत्ति में लाभप्रद हित का दावा सम्मिलित है, प्रतिभूति ऋण जो है वो अनुयोज्य दावे में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने की आवश्यकता है कि नेगेटिव में पूछ रहा है या पॉजिटिव में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है तो प्रतिभूति ऋण जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी से जो है 10,000 रुपये का ऋण लिया, बी ए के विरुद्ध ऋण वसूली का दावा लाता है, ये दावा कैसा है। तो ये जो दावा है अनुयोज्य दावा है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना देने से क्या अभिप्राय है। तो सूचना देने से अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति को तथ्यों की वास्तविक जानकारी देना, सूचना देने से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना में सम्मिलित नहीं है तो वास्तविक सूचना, अत्यंतिक सूचना, अनुयायिक सूचना या अभ्यारोपित सूचना। तो इसमें जो है अत्यंतिक सूचना सम्मिलित नहीं है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा या अन्य किसी जीवित व्यक्ति को वर्तमान में या फिर भविष्य में संपत्ति का अंतरण किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो संपत्ति का अंतरण कहलाता है, संपत्ति अंतरण के संबंध में जो संपत्ति अंतरण की परिभाषा है वो धारा 5 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो जीवित व्यक्तियों के द्वारा अंतरण का संव्यवहार किया जाना ठीक है, किसी संपत्ति का अस्तित्व में होना ये भी ठीक है, संपत्ति का प्रतिफल होना ये भी सही है, संपत्ति का अंतरण होना तो इसमें से क्या सही नहीं है। तो संपत्ति का प्रतिफल होना ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेशन ऑफ कालीकट बनाम के श्रीनिवास AIR 2002 AC 2051 के मामले में यह निर्धारित किया गया है, क्या निर्धारित किया गया कि संपत्ति का जो अंतरण है वो किसी अचल संपत्ति में हित का किसी सृजन है
इसमें आंसर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा समव्यवहार जो है संपत्ति का अंतरण नहीं है। तो कौन सा समव्यवहार है इसमें जो अंतरण नहीं है, विक्रय एवं बंधक का अंतरण, पट्टा एवं प्रभार, विनिमय और समर्पण एवं विभाजन का अंतरण। तो इसमें जो समर्पण और विभाजन है ये संपत्ति अंतरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि जो विभाजन है वो अंतरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण किया जा सकता है बाद लाने के अधिकार का, भावी भरण पोषण के अधिकार का, बंधक मोचन के अधिकार का, पुनः प्रवेश का अधिकार का। तो किसका किया जा सकता है, तो बंधक मोचन का जो अधिकार है उसका किया जा सकता है। बाकी जो धारा 6 में प्रावधान दिए गए हैं कि किनका अंतरण नहीं किया जा सकता है, जिसमें बाद लाने का अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार, पुनः प्रवेश का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, ये सब जो है अंतरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बंधक मोचन का अधिकार जो है वो संपत्ति अंतरण के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरणकर्ता के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो अंतरणकर्ता के लिए उसका संविदा करने के लिए सक्षम होना यह भी आवश्यक है, अंतरणीय संपत्ति का हकदार होना यह भी आवश्यक है, संपत्ति का अंतरण करने के लिए प्राधिकृत होना यह भी आवश्यक है, यानी भारत का निवासी होना, तो ये आवश्यक शर्त नहीं है संपत्ति अंतरण करने के लिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो मैगजीन पे आधारित है, नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट से क्या अभिप्राय है। संपत्ति पर स्वामित्व या हक के बिना भी उसका अंतरण किया जा सकता है, नहीं, संपत्ति पर स्वामित्व हक या प्राधिकार नहीं होने पर भी उसका अंतरण जो है अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसका जो है आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के अंतरण के साथ अंतरित हो जाता है उससे संलग्न जो है क्या क्या चीजें हैं जो अंतरित हो जाती हैं और क्या क्या चीज नहीं होती हैं। तो सुखाचार, भाटक एवं लाभ, भूबद्ध चीजें, प्रतिभूतियां, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी कि भूमि के अंतरण के साथ अंतरित हो जाता है उससे संलग्न, तो सुखाचार और भूवत चीजें, भाटक एवं लाभ, ये सब भूमि के साथ ही अंतरित हो जाते हैं, परंतु प्रतिभूतियां हैं वो अंतरित नहीं होती हैं, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया सकता है, मौखिक करार के, लिखित करार के, रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा या अरजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा। तो 100 रुपये से अधिक मूल्य की जो है अचल संपत्ति उसका जो अंतरण है वो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा किया जा सकता है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिति को अथवा उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को संपत्ति के वेनन से पूर्णतः प्रतिबंधित करना है, तो ये अविधिपूर्ण होगा, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अजात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो अंतरिति का सक्षम पुरुष व्यक्ति होना, तो ये आवश्यक नहीं है। बाकी जो अंतरण का पूर्विक हित के अध्याधीन होना ये भी सही है, उसका विस्तार संपत्ति में संपूर्ण अवशिष्ट हित पर होना चाहिए, ये भी अंतरण का जो अजात व्यक्ति है उसके फायदे के लिए होना चाहिए, ये सभी सही हैं। तो जो शर्त सही नहीं है वो अंतरिति का सक्षम पुरुष व्यक्ति होना चाहिए, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम से क्या अभिप्राय है। तो शाश्वतता के विरुद्ध जो नियम है वो धारा 14 में दिया गया है, इससे क्या अभिप्राय है। तो विधि के द्वारा शाश्वतता के लिए संपत्ति अंतरित करने पर अपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना, ये जो है इसका अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, शाश्वतता के विरुद्ध नियम आधारित है, तो किस पर आधारित है, संवैधानिक विधि पर या फिर संवैधानिक विधि, सांविधिक विधि पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर, लोक नीति के आधार पर है। तो जो शाश्वतता का विरुद्ध नियम है वो लोक नीति के नियम पर आधारित है, आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रीपोजिशन का रूल है, उसका जो मुख्य यानी कि मेन ऑब्जेक्ट है क्या है। तो अंतिम अंतरिति के संपत्ति में हित निहित होने की वैश्यता की आयु के बाद टाल दिया जाना, बिल्कुल नहीं, अंतिम अंतरिति के संपत्ति में हित निहित होने की वैश्यता की आयु के बाद टाला नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को पश्चातवर्ती हित तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि पूर्ववर्ती हित का पूर्णतः उपयोग ना किया कर लिया जाए, आंसर इसमें ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निहित हित से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। तो निहित हित जो है उस संपत्ति में हित का अंतरण होना है, नहीं, संपत्ति में हित का निहित होना है, हित का निहित होना निहित हित कहलाता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहित हित के सृजन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो निहित हित के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, अंतति का नामजद एवं निश्चित व्यक्ति होना, ये सही है। निहित हित होने वाले हित का सीमा जो है उसके स्वरूप स्थिति स्पष्ट होना, ये भी सही। सृजन का जो है अनिश्चित घटना पर निर्भर होना, और अंतरण का प्रतिफल के लिए होना, ये जरूरी नहीं है।
तो इसमें ये शर्त नहीं है आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए किए गए अंतरण में हित निहित हो जाएगा, अजात व्यक्ति के जन्म लेते ही उसमें हित जो है उसका निहित हो जाएगा, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाश्रित हित से क्या अभिप्राय है या समाश्रित हित से आप क्या समझते हैं? तो समाश्रित हित जो है किसी निश्चित घटना के घटने या ना घटने पर सृजित होता है, नहीं जो किसी अनिश्चित, समाश्रित हित मतलब है जो किसी अनिश्चित घटना के घटने या ना घटने पर सृजित होता है वो समाश्रित हित कहलाता है, आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाश्रित हित के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है? तो उसकी किसी पूर्ववर्ती शर्त पर अर्थात यानी किसी घटना के घटने या ना घटने पर आधारित होना, ये सही है। ऐसी घटना का अनिश्चित होना, ये भी सही है। ऐसी घटना का निरिष्ट होना चाहिए, ये भी सही है समाश्रित घटना के लिए। और समाश्रित हित के लिए ऐसी घटना का संपार्श्विक होना आवश्यक नहीं है, आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम से सृजित और किसी भी शर्त पर निर्भर हित जो है निष्फल हो जाता है यदि वे उस शर्त की पूर्ति असंभव हो जाए, वे विधि द्वारा निषिद्ध हो जाए, वे लोक नीति के विरुद्ध या अनैतिक हो जाए, वे प्रतिफल रहित हो जाए, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखने की आवश्यकता है, यहाँ पर नीचे भी देखना है कि यहाँ पर नीचे लिखा है इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो ये प्रतिफल रहित हो जाए तो ये जो है सही नहीं है, बाकी जो है तीनों तथ्य जो दिए गए वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी को ए कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वे एक घंटे में 100 मील पैदल चले, तो ऐसा जो पट्टा है वो शून्य होगा, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां संपत्ति के अंतरण के अनुबंध में ये शर्त हो कि ऐसी संपत्ति में हित निहित होने के लिए किसी भी शर्त को पूरा किया जाना आवश्यक है तो ऐसी शर्त कहलाएगी, तो ऐसी शर्त क्या कहलाएगी? समाश्रित शर्त कहलाएगी, पश्चातवर्ती शर्त कहलाएगी, निहित शर्त या प्रभाव अर्थात पूर्ववर्ती शर्त कहलाएगी, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पूर्ववर्ती शर्त का पालन किया जाना आवश्यक है, तो पूर्ववर्ती शर्त का जो पालन है वो पूर्ववर्ती प्रक्रम पर किया जाना आवश्यक है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतर व्यंजन प्रभावी हो सकता है उत्तर भाव्य अर्थात पश्चातवर्ती शर्त का, कब हो सकता है? यथावत पालन ना होने पर हो सकता है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परतर व्यंजन के अविधिमान्य होने पर पूर्वी व्यंजन जो है वो कैसा होगा? विधिमान्य बना रहेगा, अविधिमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर बनाम टैगोर 1872 बंगाल के मामले में ये अब निर्धारित किया गया है कि परतर जो व्यंजन है कि अवैध होने का जो प्रतिफल प्रतिकूल प्रभाव पूर्वी व्यंजन पर नहीं पड़ेगा, इसमें आंसर ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज के अंतर्गत कोई भी लाभ स्वीकार करता है तो उसे उस दस्तावेज के प्रत्येक भाग को स्वीकार करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वे लाभप्रद भाग को तो स्वीकार कर ले और अलाभप्रद भाग है उसको अस्वीकार कर दे, तो ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो ये सिद्धांत जो है निर्वाचन का सिद्धांत कहलाता है। निर्वाचन का सिद्धांत जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41 है, जो व्यक्ति किसी विलेख के अंतर्गत लाभ को स्वीकार करता है तो उसे उस विलेख की सभी जो अंतर्वस्तुएं हैं उनको भी स्वीकार करना होगा, ये कथन किसने किया था? तो ये कथन जो है मैटलैंड ने किया था, आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाजन से क्या अभिप्राय है? प्रभाजन से क्या अभिप्राय है? तो प्रभाजन के संबंध में जो प्रावधान है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 37 में दिए गए हैं। तो सामान्य निधि का अलग अलग जो है सामान्य निधि का अलग अलग दावेदारों के बीच में उसका वितरण करना जो है विभाजन या प्रभाजन का सिद्धांत कहलाता है, आंसर सी सही है धारा 37 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जब किसी व्यक्ति को संपत्ति विशेष परिस्थितियों में विक्रय करने का प्राधिकार हो और ऐसा व्यक्ति ऐसी विशेष परिस्थितियों बताते हुए संपत्ति का विक्रय करता है जिससे क्रेता क्रय कर लेता है, क्रेता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो क्रेता के लिए जो आवश्यक शर्त नहीं है, अंतरित करने वाले व्यक्ति को अंतरण का सीमित अधिकार होना, ये आवश्यक शर्त है। अंतरण का विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना, ये भी सही है। अंतरण का प्रतिफल स्वरूप होना तथा क्रेता द्वारा सद्भावपूर्वक संपत्ति क्रय किया जाना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपत्ति का चल संपत्ति होना, ये जो है आवश्यक शर्त नहीं है, आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ए एक संपत्ति जिसके लाभों में से बी को भरण पोषण का अधिकार है, सी को विक्रय कर देता है, बी सी के विरुद्ध भरण पोषण का क्लेम करते हुए बाद लाता है, बी को बाद में सफलता मिल जाएगी यदि वे ऐसा अंतरण अनुग्रहीक रहा हो, अंतरती को भरण पोषण के अधिकार की जानकारी रही हो, बी का भरण पोषण का अधिकार विधिपूर्ण हो, बी ए का संबंधी रहा हो,
इसमें से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर आंसर जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही देना है। पूछ रहा है कौन सी आवश्यक शर्त इसमें से सही नहीं है, तो बी का जो है वो संबंधी रहा हो, बी है ए का संबंधी रहा हो, तो ये शर्त आवश्यक नहीं है। संबंधी हो अथवा कोई भी हो वो क्लेम कर सकता है, यदि वो सद्भावनापूर्वक जो है क्लेम को कर रहा है, तो आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। जस श्रीमान स्वामी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसमें स्वामित्व के सभी गुण विद्यमान हों लेकिन वे वास्तविक स्वामी ना हो। तो जस श्रीमान स्वामी है मतलब उसमें जो स्वामी के सभी गुण हैं वो तो विद्यमान दिख रहे हैं लेकिन वो वास्तविक स्वामी ना हो, तो उसको जस श्रीमान स्वामी कहा जाता है। इसके संबंध में जो प्रावधान है वो टीपीए का जो सेक्शन है 41 उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। जस श्रीमान स्वामी द्वारा अंतरण के मामलों में सद्भावी क्रेता के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो अंतरण का प्रतिफल स्वरूप होना, संपत्ति का केवल चल होना, ये जो शर्त है आवश्यक नहीं है। बाकी अंतति द्वारा एक तो सावधानी बरता जाना ये भी आवश्यक है, अंतति द्वारा सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाना ये भी आवश्यक है। जो शर्त आवश्यक नहीं है दृश्यमान स्वामी के अंतरण के द्वारा, तो वो संपत्ति का केवल चल संपत्ति होना ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का अंतरण करता है जिसमें कि उसका हित नहीं है और क्रेता उसे प्रतिफल स्वरूप सद्भावना से क्रय कर लेता है, तब उस संपत्ति में क्रेता हित निहित हो जाएगा। कब निहित हो जाएगा? यदि पश्चातवर्ती प्रक्रम में विक्रेता का संपत्ति में हित निहित हो जाता है तो बाद में विक्रेता ये नहीं कह सकता है कि वो संपत्ति उसकी नहीं। यहाँ पर जो है विबंधन का सिद्धांत लागू होता है, तो उसमें क्रेता का हित निहित हो जाएगा। यदि उस विक्रेता का हित उसमें बाद में निहित होता है, जिस समय बेचता था उस समय यदि संपत्ति में उसका हित नहीं था और बाद में हो जाता है, तो यहाँ पर क्रेता का हित उसमें निहित हो जाएगा। विक्रेता को ये नहीं कहने दिया जाएगा कि विक्रय के समय उसका हित संपत्ति में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ए बी और सी एक मकान के संयुक्त स्वामी हैं। ए मकान का अपना हित बी को डी को विक्रय कर देता है, तो डी जो है उस मकान में हित अर्जित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दूसरा है, उस मकान में ए के स्थान पर बी जो है एवं सी के साथ मकान का संयुक्त स्वामी हो जाएगा। बिल्कुल संयुक्त स्वामी हो जाएगा, इसमें आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। ए बी एवं सी द्वारा अपनी सामान्य निधि से एक मकान जो है खरीदा जाता है, उस मकान में ए एवं बी और सी का जो हित है अथवा अंश कितना होगा? तो वरिष्ठता के अनुसार होगा, योग्यता के अनुसार होगा? नहीं, सामान्य निधि में हित और अंश जितना दिया गया है उसके अनुसार तीनों का हित उसमें निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिकता के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? प्राथमिकता से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिकता का जो सिद्धांत है वो टीपीए का जो सेक्शन है 48 उसमें दिया गया है। तो प्राथमिकता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि पूर्व हितों को प्राथमिकता दिया जाना और पश्चातवर्ती हितों को निलंबित किया जाना या रखा जाना, तो ये पूर्विकता के सिद्धांत से अभिप्राय है, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। लंबित बात के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसमें समथिंग 20-25 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिक्वेंस से सभी जो हैं डॉक्ट्रिन उनको कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर आप जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं इनको ध्यान रखें कि किस सेक्शंस में कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो जो लंबित बात का सिद्धांत है वो धारा 52 जो है 52 में दिया गया है। तो लंबित बात के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? बात का लंबे समय तक लंबित रहना नहीं, संपत्ति संबंधी बात के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण करना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति का यदि कोई बात चल रहा है उसके दौरान यदि संपत्ति का वो अंतरण कर देता है तब वहां पर इस जो है लंबित बात का सिद्धांत एप्लीकेबल होगा, जो धारा 52 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। बात के लंबित रहते हुए बाधग्रस्त संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, तो बात के लंबित रहते हुए बात का दौरान यदि संपत्ति का अंतरण करना है तो वो न्यायालय के प्राधिकार के अधीन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। लंबित बात का सिद्धांत आधारित है, तो लंबित बात का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो धारा 52 का जो इंटेंशन है वो लोक नीति के ऊपर आधारित है, आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। लंबित बात के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो लंबित बात के सिद्धांत का उद्देश्य बात के विचाराधीन रहते हुए बाधग्रस्त संपत्ति में नए हितों को सृजन को रोकना है। दूसरा है, बाधग्रस्त संपत्ति की बात के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखना है। वादों की बहुलता को रोकना है, न्यायालय की न्याय निर्णय में सहायता करना है।
नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो जो लंबित बात का उद्देश्य है, इसमें जो तीन चीज़ें ए बी सी दी गई, ये सभी सही हैं, लेकिन ये न्यायालय के न्याय निर्णय में सहायता करता है, ये सही नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ए अपनी एक संपत्ति का लेनदारों को कपट वंचित करने के लिए अंतरण करता है, ऐसा अंतरण कैसा कहलाएगा? तो ऐसा अंतरण जो है वो शून्यकरणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। ए अपनी एक संपत्ति का पाक्षिक अंतरिति को कपट वंचित करने के लिए अंतरण करता है, तो ऐसा अंतरण जो है वो भी शून्यकरणीय होगा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। लेनदार अथवा पाक्षिक अंतरिति को कपट वंचित करने के लिए किया गया अंतरण शून्यकरणीय होगा यदि जो लेनदार एवं पाक्षिक अंतरिति के विकल्प पर किया गया है, तो वो शून्यकरणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। भागिक पालन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो भागिक पालन जो है पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के संबंध में प्रावधान है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 53A में दिया गया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागिक पालन के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है, तो भागिक पालन का सिद्धांत पूछा जाता है किस धारा में दिया गया है, तो धारा 53A में दिया गया है। तो भागिक पालन का सिद्धांत जो है उसका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, ढाल की तरह ना कि तलवार की तरह, तो ये जो है ढाल की तरह प्रयोग किया जाता है, तलवार की तरह नहीं किया जाता है। तो आंसर इसमें ये सही है, जो बाकी हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। भागी पालन के मामलों में अंतरक या उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति किसी लिखित संविदा के पश्चात उसका रजिस्ट्रीकरण ना होने का लाभ नहीं उठा सकता है। आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। किसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण कहलाता है, तो किसी कीमत के बदले में जो स्वामित्व का अंतरण कहलाता है, तो वो विक्रय कहलाता है। विक्रय के संबंध में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो धारा 54 है और 54 से 57 तक में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। विक्रय में कीमत का भुगतान तत्काल किया जाना आवश्यक है, तत्काल भी किया जा सकता है और भविष्य में भी किया जा सकता है। आंशिक भुगतान तत्काल किया जा सकता है। चौथा है आंशिक भुगतान भविष्य में करने का वचन दिया जा सकता है। और नीचे लाइन दे रखी है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो इसमें जो सही बात नहीं उसको बताना है। तो विक्रय में जो कीमत का भुगतान है वो तत्काल किया जाना आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। बाकी जो है तत्काल भी किया जा सकता है और भविष्य में भी किया जा सकता है। आंशिक भुगतान भी हो सकता है, तत्काल भी किया जा सकता है, आंशिक भुगतान भविष्य में करने का वचन भी दिया जा सकता है। तो ये सभी सही है, लेकिन तत्काल भुगतान किया जाना ये जो शर्त है वो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। 100 रुपये या उससे अधिक की जो अचल संपत्ति है उसका विक्रय जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो उसका विक्रय सीधा सा सिद्धांत है कि रजिस्ट्रीकृत विलेख के द्वारा किया जा सकता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। किसी भी अवयस्क व्यक्ति के द्वारा संपत्ति का क्रय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, संरक्षक के द्वारा किया जा सकता है, न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो न्यायालय की अनुमति से संरक्षक के द्वारा अवयस्क के फायदे के लिए जो है संपत्ति का क्रय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। विक्रय में आवश्यक है, तो विक्रय में क्या आवश्यक है? 3 पक्षकारों को होना, क्रेता का वयस्क होना, कीमत या तत्काल भुगतान किया जाना, प्रतिफल का होना। तो विक्रय में जो आवश्यक है वो महत्वपूर्ण शर्त है प्रतिफल का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 रुपये से कम की मूर्त स्थावर संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, तो केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा, केवल संपत्ति के परिदान के द्वारा, रजिस्ट्रीकृत लिखित या संपत्ति के परिदान के द्वारा, तो किसके द्वारा जो है किया जा सकता है? तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा या फिर संपत्ति के परिदान के द्वारा किसी भी तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विक्रेता का ये कर्तव्य है कि वे संपत्ति को ऐसी सभी तात्विक त्रुटियों को क्रेता को प्रकट करे जिन्हें वे जानता हो, जिन्हें क्रेता नहीं जानता है, जिनका पता मामूली सावधानी से नहीं लगाया जा सकता है, जिनका पता लगाना विक्रेता का कर्तव्य है, तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो जिनका पता लगाना विक्रेता का जो कर्तव्य है ये चीज सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विक्रेता का ये कर्तव्य नहीं है कि वे अंतति संपत्ति की तात्विक त्रुटियों को प्रकट करे, संपत्ति के हक के बारे में क्रेता के प्रश्नों का जवाब दे, हक संबंधी दस्तावेजों को परीक्षा के लिए क्रेता के समक्ष पेश करे, अंतति संपत्ति को अनिवार्यता क्रेता के घर तक पहुंचाए। तो यहाँ पर जो विक्रेता का कर्तव्य बनता है, तो ए बी सी तो बनते हैं, लेकिन ये जो डी वाला है कि अंतति संपत्ति को क्रेता के घर तक पहुंचाए, ये उसका कर्तव्य नहीं है विक्रेता का। ये क्रेता की जिम्मेदारी है कि वो खरीदने के बाद अपनी चीज को स्वयं लेके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। क्रेता का यह दायित्व नहीं है कि वह संपत्ति के मूल में तात्विक वृद्धि करने वाले तथ्यों को प्रकट करे, क्रय धन का संदाय करे, संपत्ति का तत्काल परिदान प्राप्त करे, चाहे वह किसी भी हालत में हो, तो ये क्रेता का दायित्व नहीं है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एवं सी 3 संपत्तियां बंधक रखी जाती हैं, बाद में बंधककर्ता उनमें से ए
नामक संपत्ति का विक्रय कर देता है। क्रेता को यह अधिकार है कि वह विक्रेता से बंधक ऋण की तुष्टि के लिए यथासंभव जो है बी एवं सी नामक जो संपत्तियां हैं उससे कराए। तो इसमें आंसर ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। बंधक उधार लिए गए धन का प्रमाण है। उधार लिए गए धन की अदायगी को प्रतिभूति करने वाला संव्यवहार है। उधार लिए गए धन पर दे ब्याज का साक्ष्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंधक क्या है? तो बंधक जो है वो उधार लिए गए धन की अदायगी को प्रतिभूति करने वाला एक संव्यवहार है, उसको बंधक कहा जाता है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। बंधक के लिए आवश्यक नहीं है, बंधक के लिए क्या आवश्यक नहीं है? संपत्ति का स्थावर होना आवश्यक है, प्रतिफल का होना ये भी आवश्यक है, ऋण को प्रतिभूति करने का उद्देश्य होना, प्रतिफल का पर्याप्त होना बंधक के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी प्रतिफल होना चाहिए लेकिन वो पर्याप्त हो या ना हो ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। बंधक के संव्यवहार में ऋण की राशि को कहा जाता है। तो बंधक के संव्यवहार में जो ऋण की राशि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बंधक धन कहा जाता है, मॉर्गेज मनी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन सा बंधक का प्रकार नहीं है? तो बंधक का प्रकार कौन सा नहीं है? सादा बंधक ये भी है, सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक ये भी है, भोग बंधक ये भी है, आवासी बंधक ये नहीं है, क्योंकि जो बंधक के संबंध में प्रावधान धारा 58 में दिए गए हैं। तो 58 में 6 प्रकार के बंधक बताए गए हैं। पहला है सादा, दूसरा सशस्त्र बंधक, तीसरा भोग बंधक, चौथा आपका अंग्रेजी बंधक हो गया, एक होता है निक्षेप के द्वारा बंधक और एक विलक्षण बंधक। तो ये 6 प्रकार के बंधक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, 3 तो ऊपर हैं, सादा बंधक, सशस्त्र बंधक और भोग बंधक, और ये अंग्रेजी बंधक, हक विलेखों के द्वारा, निक्षेप द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक। तो ये जो है 6 प्रकार बंधक के द्वारा 58 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा बंधक मान्य नहीं है? तो यहाँ पर जो पूछा है अपूर्ण बंधक मान्य नहीं है, बाकी यहाँ पर 3 ये बंधक हो गए और 3 जो आपके ये हो गए ए सी डी। तो ये 6 बंधक जो हैं धारा 58 में दिए गए हैं, 6 प्रकार के बंधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। ए बी से 10,000 रुपये उधार लेता है और अपना एक मकान बी के पास बंधक रख देता है जिसमें बी निवास करने लग जाता है। ये बंधक कैसा बंधक है? तो ये बंधक जो है भोग बंधक है, क्योंकि बंधक रखने के बावजूद भी वो उसका प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। बंधककर्ता द्वारा बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को इस शर्त के साथ देना कि एक निश्चित तारीख को बंधक धन का भुगतान किए जाने पर बंधक संपत्ति का कब्जा बंधककर्ता को सौंप दिया जाएगा। तो ये कैसा बंधक होगा? तो ये भी बंधक जो है भोग बंधक होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 100 रुपये या 100 रुपये से अधिक की अचल संपत्ति का बंधक किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? मौखिक करार के द्वारा, लिखित करार के द्वारा, रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा, अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा किया जा सकता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। रजिस्ट्रीकृत बंधक विलेख को अनुप्रमाणित किया जाना आवश्यक है कितने साक्ष्यों के द्वारा? तो कम से कम 2 साक्ष्यों के द्वारा, जो कि अनुप्रमाणित में बताया गया था, धारा 3 में अनुप्रमाणित की परिभाषा दी गई है। तो यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अनुप्रमाणित होना अनुप्रमाणित कहा जाएगा। तो कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा या 2 साक्ष्यों के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। बंधक मोचन से अभिप्राय है, बंधक मोचन से क्या अभिप्राय है? बंधक संपत्ति का विक्रय मान लिया जाना, दूसरा है बंधक संपत्ति का किराए पर उठा देना, तीसरा है बंधक संपत्ति को बंधक धन का भुगतान कर बंधक से मुक्त करना है। तो बंधक मोचन का ये अभिप्राय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। बंधक मोचन के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? तो बंधक मोचन के लिए जो आवश्यक नहीं है, मूलधन का शुद्ध हो जाना, दूसरा है बंधककर्ता द्वारा उपयुक्त समय पर बंधक का संदाय करना, तीसरा है बंधक द्वारा उपयुक्त स्थान पर बंधक धन का संदाय करना, चौथा जो है बंधक धन पर चक्रवर्ती ब्याज लिया जाना, ये जो है बंधक मोचन के लिए आवश्यक नहीं है, आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। बंधक मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो बंधक मोचन के अधिकार का प्रयोग बंधक धन के भुगतान या निविदान द्वारा किया जा सकता है, बंधक धन किस न्यायालय में निक्षेप के द्वारा, तीसरा है बंधक संपत्ति पर जबरन कब्जे के द्वारा जो है निक्षेप नहीं किया जा सकता है, आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। बंधक मोचन के अधिकार को ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही प्रतिरोधित। ये नियम इस सूत्र पर आधारित है कि एक बार बंधक तो सदैव बंधक, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। बंधक मोचन का अधिकार, तो बंधक मोचन का अधिकार कैसा अधिकार है? एक सीमित अधिकार है? नहीं, एक सांविधिक पा एक अत्यंतिक अधिकार है। तो ये जो है आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। बंधककर्ता को यह अधिकार नहीं है कि वह बंधक
दार से बंधक संपत्ति दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करे, यह अधिकार है। बंधक का मोचन करा, यह भी अधिकार है। बंधक धन में हुई अभिवृद्धि को प्राप्त करे, यह भी अधिकार है। बंधक धन संदाय किए बिना बंधक संपत्ति को प्राप्त कर ले, ये बंधककर्ता का अधिकार नहीं है। ये चीज याद रखनी है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। बंधक के समव्यवहारों में कौन सी उपधारणा नहीं की जा सकती है? तो बंधक के समव्यवहारों में, बंधक संपत्ति में बंधककर्ता का हित निहित है, ये उपधारणा की जा सकती है। बंधककर्ता को ऐसे हित का अंतरण करने का अधिकार है, ये भी किया सकती है। बंधक संपत्ति के हक की रक्षा करना बंधककर्ता का दायित्व है, ये भी किया सकती है। बंधककर्ता बंधक संपत्ति को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये उपधारणा नहीं की जा सकती है। आंसर इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। प्रोबंध से क्या अभिप्राय है? प्रोबंध से आप क्या समझते हैं? तो प्रोबंध से अभिप्राय यह है कि बंधक कर्ता को बंधक मोचन के अधिकार से वंचित कर देना, यह प्रोबंध का अधिकार है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। मोचन एवं प्रोबंध में मुख्य अंतर क्या है? तो मोचन और प्रोबंध जो है उसमें मुख्य अंतर ये होता है कि प्रोबंध बंधकदार का अधिकार है और जबकि मोचन है वह बंधककर्ता का अधिकार है। आंसर इसमें सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। बंधक धन के लिए बंधकदार के बाद लाने के अधिकार का उल्लेख किया गया है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में किया गया है? तो धारा 68 जो है इसमें किया गया है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीवर से आप क्या समझते हैं या रिसीवर से क्या अभिप्राय है? तो विवादग्रस्त संपत्ति की देखरेख करने वाला व्यक्ति रिसीवर कहलाता है, ये सही है। विवादग्रस्त संपत्ति को नीलाम विक्रय करने वाला व्यक्ति रिसीवर होता है, नहीं। विवादग्रस्त संपत्ति को बंधक रखने वाला व्यक्ति, नहीं। विवादग्रस्त संपत्ति को भारग्रस्त करने वाला व्यक्ति, ये रिसीवर नहीं कहलाते हैं। तो जो ए आला आंसर सही है, विवादग्रस्त संपत्ति की देखरेख करने वाले व्यक्ति को रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। ए अपना एक खेत बी के पास बंधक रखता है, कालांतर में ए उस खेत में एक मकान का निर्माण करा लेता है, बी की जो प्रतिभूति है वो केवल खेत तक सीमित रहेगी? नहीं, खेत और मकान दोनों पर रहेगी, क्योंकि जो मकान है वो उसी खेत पर बना हुआ है। आंसर इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। सह कब्जा बंधकदार का यह दायित्व है कि वे बंधक संपत्ति का प्रबंध एक प्रज्ञावान की तरह करे, वे बंधक संपत्ति के लाभों और भाटकों को प्राप्त करे, वे बंधक संपत्ति पर देश सरकारी राशियों का भुगतान करे, आवश्यक होने पर वे बंधक संपत्ति का विक्रय कर दे, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है कि आवश्यक होने पर बंधक संपत्ति का विक्रय कर दे, ये सही नहीं है। बाकी तीनों तथ्य दिए गए वो सही हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज के टॉपिक में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, पूरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का निचोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जहां कोई व्यक्ति अपनी दो या दो से अधिक संपत्तियां किसी एक व्यक्ति के यहां बंधक रखता है और आगे चलकर उन्हीं संपत्तियों में से किसी एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, वहां पाश्चिक बंधकदार का यह अधिकार होगा कि वे पूर्विक बंधक ऋण जो है ऐसी संपत्ति से संतुष्ट कराए जो बंधक के पास बंधक नहीं है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो है क्रमबंधन के सिद्धांत धारा 56 में दिया गया है उसमें संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो पाश्चिक बंधकदार दिया गया है, पाश्चिक क्रमबंधन का सिद्धांत धारा 56 में दिया गया है, और क्रमबंधन का सिद्धांत दो धाराओं में दिया गया है, धारा 81 है उसमें भी क्रमबंधन का सिद्धांत दिया गया है। तो धारा 81 में प्रतिभूतियों का क्रमबंधन दिया गया है और धारा 56 में पाश्चिक क्रमबंधन का सिद्धांत दिया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन दोनों सिद्धांत को आपको डिफरेंस करना है, पाश्चिक क्रमबंधन और प्रतिभूतियों का क्रमबंधन। तो पाश्चिक क्रमबंधन का सिद्धांत धारा 56 में और धारा 81 में प्रतिभूतियों का क्रमबंधन। तो ये क्रमबंधन का सिद्धांत यहाँ पर धारा 56 वाला है, क्योंकि यहाँ पर पाश्चिक शब्द दिया गया है और जहाँ पर प्रतिभूतियों के बारे में बताया गया हो तो वहाँ पर धारा 81 एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। जो लाभ का उपयोग करना चाहता है उसे बोझ भी उठाना पड़ेगा, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो प्रावधान है अभिधायक का प्रावधान जो दिया गया है, अभिधायक का सिद्धांत जो कि धारा 82 पर आधारित है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है, तो इसमें आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी बंधककर्ता बंधक धन का संदाय कर सकता है, केवल बंधकदार को, केवल बंधककर्ता के अभिकर्ता को, न्यायालय में भी कर सकता है। कोई भी बंधककर्ता बंधक धन का संदाय न्यायालय में भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। बंधक धन का न्यायालय में निक्षेप करा दिए जाने पर ब्याज जो है वो बंद हो जाता है, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। किसी भी व्यक्ति का उस व्यक्ति के स्थान प्रतिस्थापित हो जाना जिसे बंधक ऋण का संदाय कर उसने बंधक संपत्ति को मोचन कराया है, तो ये कौन सा कहलाता है? तो ये जो है प्रत्यासन का सिद्धांत कहलाता है, जो कि धारा 92 में दिया गया है।
सेक्शन 92 जो है वो सबरोगेशन, रूल ऑफ सबरोगेशन के बारे में प्रदान करती है, यानी प्रत्याशन का सिद्धांत। आंसर इसमें धारा 92 के अकॉर्डिंग सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, प्रत्याशन हो सकता है, तो प्रत्याशन जो है विधिक, संविदात्मक विधिक एवं संविदात्मक दोनों हो सकता है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, यदि किसी बंधक संपत्ति के दो या दो से अधिक बंधक धार हैं तो पाश्चिक बंधक धार को अधिकार है कि वह पूर्वी बंधक धारों से उस संपत्ति का मोचन कराए। ये आधारित है इस सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि क्रमबंधन सिद्धांत पर है। क्रमबंधन सिद्धांत यह कहता है कि ऊपर मोचन कीजिए और नीचे जो है निषेध कीजिए, इस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, जब किसी भी एक व्यक्ति की कोई भी स्थावर संपत्ति है, पक्षकारों के आचरण या विधि की क्रिया द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को धन का संदाय करने के लिए प्रतिभूति बन जाती है, तब तो ये क्या कहलाती है, तो ये जो है भार यानी चार्ज कहलाती है। तो इसके संबंध में प्रावधान है वो टीपी की सेक्शंस जो है 100 धारा 100 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की तामील का कौन सा तरीका सही नहीं है? वे व्यक्ति जिस पर सूचना की तामील कराई जानी है, तामील कराया जाना, ऐसे व्यक्ति के नाम आम मुख्तार पर तामील कराया जाना, ऐसे व्यक्ति के प्राधिकृत अभिकर्ता पर तामील कराया जाना, तो ये जो, और चौथा है पड़ोसी पर तामील कराया जाना। तो तामील की जो सूचना की तामील है, पड़ोसी पर तामील कराया जाना, ये सही नहीं है, बाकी तीनों तरीके से तामील की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 104 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति यहाँ किसको प्रदान की गई है? तो धारा 104 के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्तियाँ पूछ रहा है यहाँ पर, किसे प्रदान की गई हैं? तो नियम बनाने की शक्तियाँ जो हैं वो हाईकोर्ट को प्रदान की गई हैं, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्थावर संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिफल स्वरूप प्रदान किया जाता है, तब वे कहलाता है, तो वो पट्टा कहलाता है। आंसर इसमें ये सही है। पट्टा के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 105 से 117 तक में दिए गए हैं, और यहाँ पर पट्टा की परिभाषा पूछ रहा है, तो धारा 105 के अकॉर्डिंग आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, पट्टे के पक्षकार होते हैं, तो एक तो पट्टाकर्ता, दूसरा पट्टेदार, दो होते हैं पक्षकार, तो इसमें आंसर सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टे के लिए आवश्यक नहीं है, तो पट्टे के लिए क्या आवश्यक नहीं है? संपत्ति का स्थावर होना चाहिए, ये भी सही है। संपत्ति का उपभोग के लिए अंतरण किया जाना चाहिए, ये भी सही है। उपभोग के बदले में प्रतिफल दिया जाना, ये भी सही है। मौखिक करार किया जाना, ये सही नहीं है पट्टे के लिए आवश्यक शर्तों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामयिक पट्टे हो सकते हैं, तो सामयिक पट्टे जो हैं वो वर्षानुवर्षी अथवा मासानुमासी होते हैं, आंसर इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां संविदा या स्थानीय प्रथा ना हो वहां कृषि या विनिर्माण प्रयोजनों के लिए किया गया संपत्ति का पट्टा कैसा पट्टा होगा? तो वो वर्षानुवर्षी पट्टा होगा, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षानुवर्षी पट्टे की पर्यावसान के लिए सूचना दिया जाना आवश्यक है कितने दिन के अंतर्गत? तो 6 माह से पूर्व के अंतर्गत सूचना दिया जाना आवश्यक है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासानुमासी पट्टे के पर्यावसान के लिए सूचना कितने दिन में दिया जाना आवश्यक है? तो 15 दिन से पूर्व, आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि का या वार्षिक भाटक जो है आरक्षित करने वाला पट्टा किया जा सकेगा? तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा किया जाएगा, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि का या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा जो है अरजिस्ट्रीकृत लिखित के कब्जे के परिधान द्वारा किया जा सकता है? यदि केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसा निर्देश किया जाए, यदि राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी कर ऐसा निर्देश किया जाए, तो इसमें आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टाकर्ता का यह कर्तव्य नहीं है कि वह पट्टेदार को पट्टा संपत्ति की तात्विक त्रुटियों को प्रकट करे, वे पट्टेदार को पट्टा संपत्ति का कब्जा सौंपे, पट्टा संपत्ति में अभिवृद्धि करे, यानी पट्टाकर्ता का यह कर्तव्य बिल्कुल नहीं है कि वे पट्टा संपत्ति जो है उसमें अभिवृद्धि करे, पट्टा संपत्ति की सुरक्षा करे, बाकी ये ए बी डी वाले कर्तव्य हैं, लेकिन जो सी है ये पट्टाकर्ता का कर्तव्य नहीं है कि वो संपत्ति में अभिवृद्धि करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टे का पर्यावसान नहीं होता है, कब नहीं होता है? पट्टे की अवधि के समाप्त हो जाने पर हो जाता है, पट्टाकर्ता का हित समाप्त हो जाने पर हो जाता है, घटना पर आधारित किसी घटना के घटित होने पर, पट्टाकर्ता की इच्छा पर, तो पट्टाकर्ता की जो इच्छा है उसके आधार पर पट्टे का पर्यावसान नहीं होता है, बाकी ए बी सी दिए गए हैं, तीनों परिस्थितियों में पट्टे का पर्यावसान समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये अपनी एक संपत्ति बी को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर देता है। 5 वर्ष से पूर्व पट्टे का पर्यावसान हो जाएगा यदि संपत्ति में कोई वृद्धि हो जाए, यदि संपत्ति जो है मरम्मत योग्य हो जाए, यदि पट्टेदार संपत्ति पुनः पट्टाकर्ता को लौटा दें और पट्टाकर्ता उसे स्वीकार कर लेता है तो 5 वर्ष से पहले भी पट्टे का समापन हो सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टे के पर्यावसान के पश्चात पट्टेदार पट्टा संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता उसका किराया प्राप्त करता रहता है, तब ये कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? पट्टे का नवीनीकरण कहलाएगा। आंसर इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं तो ये सम्व्यवहार कहलाता है। तो ये सम्व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये सम्व्यवहार जो है विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के संबंध में जो प्रावधान है धारा 118 में दिए गए हैं और जो टोटल सेक्शन दिए गए 118 से 121 तक में विनिमय के बारे में ही प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय में किसी चीज का अंतरण धन के एवज में किया जाता है। धन के एवज में अगर किया जाएगा तो वो विक्रय हो जाएगा। किसी चीज का अंतरण किसी चीज यानी कि वस्तु से वस्तु का अंतरण जो है विनिमय कहलाता है। उसके एवज में किया गया वस्तु के बदले में वस्तु का अंतरण विनिमय कहलाता है। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन के एवज में धन का विनिमय किए जाने पर यह विवक्षित गारंटी रहती है कि जो धन है वो असली है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल के बिना किया गया चल या अचल संपत्ति का अंतरण कहलाता है। तो ऐसा अंतरण क्या कहलाता है? यदि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रतिफल के बिना है, जो प्रतिफल जहां पर ना हो, प्रतिफल के बिना कोई भी अंतरण किया जा रहा है चल या अचल संपत्ति का, तो वो जो है गिफ्ट कहलाता है, दान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो दान के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? संपत्ति का चल या अचल होना ये आवश्यक नहीं है। अंतरण प्रतिफल के बिना किया जाना, दाता द्वारा से स्वीकार किया जाना, ऐसी स्वीकृति दाता की मृत्यु के पश्चात किया जाना, तो ये दान के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि दान जो है दोनों जीवित व्यक्तियों के संबंध में किया जाता है। बाकी जो तीनों शर्तें हैं वो आवश्यक हैं, वो जो आवश्यक शर्त नहीं है वो ऐसी स्वीकृति दाता की मृत्यु के पश्चात दिया जाना, वो आवश्यक नहीं है। तो दान के संबंध में जो प्रावधान है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर संपत्ति का दान किया जा सकता है? तो स्थावर संपत्ति का जो दान है वो रजिस्ट्री कट लिखित के द्वारा भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड MCQ को डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के न्यायिक परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।